आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q1 के रिजल्ट के बारे में। उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में आपको ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज फार्मा के IPO के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मिलेगा, आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम लाइव आके डिटेल में भी चर्चा करने वाले हैं। एक बार हम क्विक व्यू चेक कर लेते हैं कैसे रहे रिलायंस के नतीजे। Q1 रिजल्ट चेक कर लेते हैं, ये रहे इनके रिजल्ट। ये है आई गेस कंसोलिडेटेड सारे फिगर्स रुपीस इन करोड्स में आते हुए आपको देखने को मिलने वाले हैं। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो अगर हम टोटल इनकम की 1,48,000, लास्ट क्वार्टर 1,58,000 था, लास्ट ईयर 95,000 था, तो इनकम घटी है Q1Q बेसिस। अगर हम बात करें एक्सेप्शनल आइटम भी कुछ हुआ है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम आई गेस कुछ ज़्यादा बड़ा एक्सेप्शनल गेन है ही नहीं कोई, तो ठीक है। एक्सपेंसेस की भी अगर हम बात करें तो वो भी इनलाइन है, कंट्रोल है। अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें 13,806 करोड़, लास्ट क्वार्टर 15,000 था, लास्ट ईयर 13,248 था। तो Y-on-Y तो ग्रोथ है, Q-on-Q हल्का सा डिप आता हुआ देखने को मिल रहा है, करीब करीब 1,000 करोड़ का आपको डिप आता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS की बात करें तो 20.69 से EPS 18.96 का हो गया, 20.52 से EPS 18.96 का हो गया। ओवरऑल बात करें ओके शेयर रिजल्ट, ज़्यादा खास रिजल्ट मुझे अभी क्विक एनालिसिस मतलब लग नहीं रहा। इसके बाद हम लाइव करेंगे, उसमें आके आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।